कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को संफाई सुरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा। संफाई सुरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। कि नाम भी मेरा पास है, दोनों सहरा भी मेरा पास है। संफाई सुरेन जी दिल्ली गए थे आज से एक सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंत जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को संफाई सुरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में संफाई सुरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संडे हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से संफाई सुरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हूं और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया, ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है बिकॉज दे माइट बी इन्वॉल्व इन अदर नक्सल ऑपरेशन और मेनी अदर ऑपरेशन दे मे दिस ऑफिसर मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व। सो इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका सहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों सहरा भी मेरा पास है। किसलिए? होटल से ही वो लोगों ने लोगों को पकड़ा था।